इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द इंटरव्यू लेखक के पुस्तक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया उद्धरण है। यह पाठ आज के समय में इंटरव्यू के महत्व पर आधारित है। प्रत्येक वस्तु के समान इंटरव्यू के अपने गुण दोष और परिणाम हैं। एक और प्रसिद्ध व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से उनके निजी जीवन में दखल मानते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग इसे प्रभावशाली और सत्य के स्रोत के रूप में देखते हैं। इस पाठ में लेखक संवाद शैली के रूप में इंटरव्यू के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पाठ को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इंटरव्यू के सराहनीय और निंदात्मक पहलुओं के विषय में प्रतिष्ठित लोगों के विचारों से संबंधित है। पहला भाग इंटरव्यू के सराहनीय और निंदात्मक पहलुओं के विषय में प्रतिष्ठित लोगों के विचारों से संबंधित है। दूसरा भाग अम्बर्टो इको का वास्तविक इंटरव्यू प्रस्तुत करता है, जो कि द हिंदू नामक पत्रिका के रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन द्वारा लिया गया था। द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर पार्ट फर्स्ट में पैराग्राफ फर्स्ट में जो मीनिंग्स हैं उसमें इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, और इंटरव्यू का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समबडी अबाउट समथिंग, और कॉमन प्लेस का मतलब होता है सामान या ऑर्डिनरी, जर्नलिज्म पत्रकारिता एंड प्रोफेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंड सेलिब्रिटीज एंड फेमस पीपल। बाय फर्स्ट में 130 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले से जब इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था, यह पत्रकारिता में बहुत सामान्य बन गया है। आज लगभग प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले कुछ हजारों वर्षों से अनेक बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लिया गया है। उनमें से कुछ का तो बार बार लिया गया है, इसलिए यह शायद ही आश्चर्य की बात हो कि इंटरव्यू के कार्य पद्धत और गुणों पर लोगों के विचार एक से नहीं है। कुछ लोग इसके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपने उच्चतम रूप में यह सत्य का स्रोत है और व्यवहार में यह एक कला है। दूसरे लोग सामान्यतः प्रसिद्ध लोग जो स्वयं इसका शिकार या इससे पीड़ित हैं, वे इसे अपने निजी जीवन में अनुचित दखल मानते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि इसके कारण वे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कुछ प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी का फोटो लेता है तो वह व्यक्ति की आत्मा चुरा रहा है। पहला बात है, इसमें कुछ और मीनिंग है। इसमें है मेरिट्स यानी गुण दोष, कंसिडरेबली मतलब होता है काफ़ी या इनफ, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है एग्जार्गेटेड अर्थपूर्ण एक्स्ट्रा वैगन, और क्लेम्स मतलब होता है दावे, डिस्पाइज मतलब होता है स्कॉर्न या कम आंकना, तुच्छ समझना, डिस्पाइज मतलब तुच्छ समझना, कम आंकना, डिस्पाइज कम आंकना, और अनवारंटेड का मतलब होता है अनचाहे अनुचित, फिर इंट्रूजन मतलब दखलंदाजी, इंट्रूजन मतलब होता है इंटरफेरेंस या दखलंदाजी, और डिमनिसेस का मतलब होता है कम करना, डिमनिसेस मतलब होता है कम करना, डिक्रीजेस, और इसमें होता है प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट। पैराग्राफ सेकंड में बीएस नायपाल को लगता है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू द्वारा आंखा पहुँचता है और अपना कोई अंश खो देते हैं। लुइस कैरोल जो एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता थे को इंटरव्यू लेने वाले से डर लगता था और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के सहमत नहीं दी थी। प्रसिद्ध व्यक्ति बनना उनके लिए डर था और या उन्हें जान पहचान बढ़ाने से रोकता था। वे इंटरव्यू ऑटोग्राफ लेने वालों से दूर रहते थे और बाद में वे बड़े ही संतोष और मजे के साथ ऐसे लोगों को चुप कराने में अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाते थे। रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लेने वालों के प्रति इससे भी अधिक निंदनीय दृष्टिकोण प्रकट किया है। उनकी पत्नी कैरोलिन ने 14 अक्टूबर
1892 में अपनी डायरी में लिखा है कि उनका बोस्टन से आए दो रिपोर्टरों ने पूरा दिन नष्ट कर दिया। वह लिखती हैं कि उन्होंने अपने पत्र को उन पत्रकारों से यह कहते हुए सुना था, मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार करता हूँ, क्योंकि यह अनैतिक है, यह एक अपराध है, यह इतना बड़ा अपराध है जैसे कि किसी ने मुझ पर प्रहार किया हो और उसके लिए उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह कायरतापूर्ण और घृणित है। कोई सम्मानजनक व्यक्ति इसके लिए नहीं कहेगा, बहुत कम लोग इसके लिए कहेंगे। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, वुंडेड, वुंडेड मतलब इंजर्ड या हैमर, क्रिएटर मेकर रचनाकार, हॉरर फियर डर, कंसेंटेंट मिस होता है एग्रीड, लायोनाइज्ड मतलब गिवन इम्पॉर्टेंस, लायोनाइज्ड का मतलब होता है गिवन इम्पॉर्टेंस यानी बहुत महत्व देना, लायोनाइज्ड। पटिशनर्स का मतलब होता है आवेदक, दोज हु मेक ए रिक्वेस्ट, पटिशनर्स का मतलब होता है आवेदक। सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंटमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब होता है प्लेजर एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट प्लेजर एंटरटेनमेंट। कंडेमनेटरी का मतलब होता है स्कॉर्नफुल, नॉट फिट फॉर यूज या निंदात्मक, अभियोगात्मक या निंदात्मक। एटीट्यूड द वे टू एक्ट, व्यवहार एटीट्यूड। रेक्ट मतलब होता है रूइन, नष्ट करना, और असॉल्ट होता है अटैक प्रहार। पैराग्राफ खंड में केट किपलिंग हैड हिमसेल्फ डॉट डॉट से लेके पावर एंड इन्फ्लुएंस। फिर भी किपलिंग ने स्वयं ऐसा अपराध या प्रहार मार्क ट्वेन पर कुछ ही वर्ष पूर्व किया था। एच जी वेल्स ने 1894 ईस्वी में इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा बताया। फिर भी जल्दी जल्दी कई इंटरव्यू दे दिए थे और फिर स्वयं 40 वर्ष बाद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते पाए गए। साउल बेली जो विभिन्न अवसरों पर कई इंटरव्यू देने की अनुमति देते रहे, फिर भी एक इंटरव्यू को सांस लेने में अवरोध यानी अंगूठे से श्वास नली में अवरोध उत्पन्न करना के समान बताया था। इंटरव्यू में काफ़ी सारे अवगुण होने के पश्चात भी इंटरव्यू आज संचार का सबसे उपयोगी माध्यम है। आज के समय में किसी भी अन्य समय की अपेक्षा हमारे अपने समकालीन लोगों के बारे में सबसे स्पष्ट विचार इंटरव्यू के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। डेनिस ब्रायन ने लिखा है लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करने के कारण हम तक पहुँचती है। इस कारण इंटरव्यू लेने वालों को अभूतपूर्व स्थान, शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त है ना। परपेट्रेटेड का मतलब होता है कमिटेड समथिंग बैड, अपराध करना। परपेट्रेटेड मतलब होता है अपराध करना। कंसेंटेड का मतलब होता है एग्रीड, सहमति देना। नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी, इवन देन। थंब प्रिंट्स का मतलब होता है थंब इम्प्रेशंस। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ या के बावजूद। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग्स या त्रुटियाँ। सर्विसेबल का मतलब होता है यूजफुल या लाभदायक। सर्विसेबल का मतलब होता है लाभदायक। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। हैविंग नो पास्ट इंस्टांस अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड। पैराग्राफ 4, अब यहाँ से पार्ट सेकंड चालू हो जाता है। पैराग्राफ 4 में आई एम प्रोफेसर डॉट डॉट से लेकर के मुकुंद हुई चीज, तो सेकंड भाग में है, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। अम्बाटो इको। नीचे दिया गया उद्धरण अम्बाटो इको द्वारा दिए गए इंटरव्यू से लिया गया है। इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति मुकुंद इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मुकुंद पद्मनाभम द हिंदू समाचार पत्र से है। इटली में बोलोगना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अम्बाटो इको ने उपन्यास लिखने की शुरुआत करने के पहले से ही लक्षण विज्ञान जिसे हम सिमोइटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है, लक्षण विज्ञान
साहित्यिक प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को हम एस्थेटिक्स कहते हैं, द स्टडी ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य शास्त्र, द स्टडी ऑफ ब्यूटी एस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के विद्वान के रूप में अपने विचारों के लिए शेष स्थान अर्जित कर लिया था। साहित्यिक उपन्यास, शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें, निबंध, बच्चों की किताबें और समाचार पत्रों में लेख, उनका लिखित प्रस्तुतिकरण अत्यधिक विस्तृत और विविध प्रकार का है। वर्ष 1980 में नेम ऑफ द रोज जिसकी 10 मिलियन से भी अधिक प्रतियां बिकी थी के प्रकाशन के बाद उन्होंने बुद्धिजीवियों के समान प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मुकुंद, अंग्रेजी उपन्यासकार व शास्त्री डेविड लोज ने एक बार टिप्पणी की थी कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है जैसे वह ईको करता है। मुकुंद, अंग्रेजी उपन्यासकार व शास्त्री डेविड लोज ने एक बार टिप्पणी की थी कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है जैसे वह ईको करता है। अमरटो ईको हो सकता है कि ऐसा प्रतीत होता हो कि मैं कई काम कर रहा हूँ, किंतु अंत में मेरा विश्वास है कि मैं एक ही काम करता हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण, कोटेशन या पैसेज फ्रॉम ए बुक, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्वायर्ड का मतलब होता है अटेंड, प्राप्त किया। फॉर्मिडल मतलब होता है इंप्रेसिव, प्रभावशाली। फॉर्मिडल मतलब होता है प्रभावशाली। रेप्यूटेशन का मतलब होता है फेम या प्रतिष्ठा। सिमायोटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एस्थेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्यूटी। स्टैगरिंगली मतलब सरप्राइजिंगली। स्टैगरिंगली का मतलब होता है सरप्राइजिंगली। एंड सुपर स्टारडम, एक्सट्रीमली पॉपुलर पर्सनालिटी, सुपर स्टारडम, उत्कृष्ट सितारा या ख्याति। पैराग्राफ फिफ्थ में है अम्बाटो इको आह डॉट 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 से लेकर एन आर्टिकल्स लास्ट। अम्बाटो इको आह, अब इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं। फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक, पर्टेनिंग टू द फिलोसफी। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि या जेस्ट या लाइकिंग्स। इंटरेस्ट, जेस्ट, लाइकिंग्स का मतलब होता है रुचि। दार्शनिक रुचियाँ, मैं इन्हें अपने शैक्षणिक कार्यों तथा उपन्यासों के माध्यम से जारी रखता हूँ। यहाँ तक कि बच्चों के लिए जो मेरी पुस्तकें हैं वे भी अहिंसा और शांति के बारे में है। आप समझ सकते हैं वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह। और फिर मेरा एक रहस्य है, क्या आप जानते हैं कि यदि ब्रह्मांड में जैसे ये खाली स्थानों को निकाल दिया जाए और सभी अणुओं से में से खाली स्थान निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सारा संसार मात्र मेरी मुट्ठी के बराबर रह जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे रिक्त स्थान हैं, मैं इन्हें अंतराल, दरार कहता हूँ। मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, आप लिफ्ट में हो और आप जब आप ऊपर आ रहे होंगे मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह अंतराल है एक रिक्त स्थान, मैं रिक्त स्थान में काम करता हूँ। आपकी लिफ्ट की प्रथम तल से तृतीय तल तक आने की प्रतीक्षा करते समय मैं एक लेख लिख चुका होता हूँ, हंसता है। तो फिलासफिकल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू फिलासफी। दार्शनिक, इंटरेस्ट का मतलब जेस्ट या लाइकिंग्स। एंड परसू का मतलब होता है लगे रहना, फॉलो, कैरी ऑन। परसू का मतलब होता है लगे रहना, जारी रखना, कीप, कैरी ऑन या कीप ऑन। बंच का मतलब होता है क्लस्टर या ग्रुप, समूह। इथिकल, एथिकल का मतलब होता है मोरल या नैतिक, एथिकल, मोरल, नैतिक। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब टू रिमूव, निकाल देना, एलिमिनेट। इंटरस्टाइस, इंटरस्टाइस का मतलब होता है गैप्स या इंटरवल्स, गैप्स या इंटरवल्स। पैराग्राफ सिक्स, मुकुंद, हाँ, इसमें नॉट एवरी वन से लेकर के नेचुरली टू यू। मुकुंद, वास्तव में सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। आपके गैर कथा साहित्य, नॉन स्टोरी टेलिंग लिटरेचर। नॉन फिक्शनल का मतलब होता है गैर कथा साहित्य या नॉन फिक्शनल टेलिंग लिटरेचर। आपके गैर कथा साहित्य में आपकी विद्वतापूर्ण कार्य यानी स्कॉलरी, विद्वतापूर्ण, फुल ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्लेफुल का मतलब होता है विनोदशील या लिवली, ह्यूमरस, बहुत ही विनोदशील। और मार्क मतलब होता है नोटिसेबल या क्लियर, सुस्पष्ट। डिपार्चर का मतलब होता है प्रत्यंतर या विचलन, डेविएशन।
इनवायरेबली का मतलब होता है निरपवाद, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन इनवायरेबली, विदाउट एक्सेप्शन निरपवाद। और इसका है डिसपर्सनलाइज्ड, अव्यक्तिगत बनाना, टेक अवे द पर्सनैलिटी, टेक अवे द पर्सनैलिटी। कॉन्शियसली का मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर। अप्रोच का मतलब होता है व्यू पॉइंट, अप्रोच, ठीक है। कॉन्शियसली का मतलब होता है डेलिबरेटली जानबूझकर, कॉन्शियसली डेलिबरेटली जानबूझकर, और अप्रोच का मतलब होता है व्यू पॉइंट। मुकुंद वास्तव में सभी को ऐसा नहीं कर सकते, आप गैर कथा साहित्य में आपके विविधतापूर्ण कार्य में लेखों में उसके बारे में एक विनयशीलता तथा व्यक्तिगत गुण है जो स्पष्ट रूप से 25-40 सदी में जो हमेशा अव्यक्तिगत और प्राय रूखा निगर होता है। क्या आपने यह अनौपचारिक ढंग जानबूझकर अपनाया है या कुछ ऐसा है कि जो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर आया हो? पैराग्राफ 7 में अम्बर्टो इको स्टार्ट करता है, व्हेन आई प्रेजेंटेड नरेशन, तो इसमें है अम्बर्टो इको, जब मैंने डॉक्टर के उपास के लिए अपना पहला शोध पत्र, ठीक है ना, डॉक्टोरल रिसर्शन, डॉक्टोरल रिसर्शन यानी रिसर्च पेपर ऑफ डॉक्टर्स डिग्री, डॉक्टर के उपास के लिए शोध निबंध। तो अम्बर्टो इको कहते हैं, जब मैंने डॉक्टर की उपाधि के लिए अपना पहला शोध पत्र इटली में प्रस्तुत किया था, तब एक प्रोफेसर ने कहा, विद्यार्थी एक विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे असत्य पर कल्पना कर लेते हैं और फिर वे उन्हें ठीक कर देते हैं और अंत में वे निष्कर्ष दे देते हैं। आपने इसके बिल्कुल विपरीत अपने शोध की कहानी सुनाई है, यहाँ तक कि आपने प्रयास और त्रुटि सहित उसी समय उन्होंने यह माना कि मैं सही था और मेरा शोध निबंध पुस्तक के रूप में छपने लगा, व्यर्थ शोध निबंध पुस्तक के रूप में छपने लगा, जिसका अर्थ था कि उसने उसको सराहा। उस समय 22 वर्ष की आयु में मैंने समझ लिया था कि विद्वतापूर्ण पुस्तकें इसी प्रकार लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी, अपने शोध की कहानी बताते हुए। यही कारण है कि मेरे निबंधों में सदा वर्णात्मक पहलू रहता है, मेरे निबंधों में हमेशा सदा वर्णात्मक पहलू रहता है, और संभवतः यही कारण है कि मैंने उपन्यास इतनी देर बाद लिखने शुरू किए, लगभग 50 वर्ष की आयु में। मुझे याद है कि मेरे परम मित्र रोलैंड बर्थेस हमेशा निराश रहते थे कि वे एक निबंधकार थे और उपन्यासकार नहीं। एक एक दिन वे रचनात्मक लेखन कार्य करना चाहते थे, किंतु ऐसा करने से पहले उनका निधन हो गया। मैंने इस तरह की निराशा कभी महसूस नहीं की थी, मैंने उपन्यास संयोगवश लिखने शुरू किए थे। एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। उपन्यास संभवतः मेरी वर्णात्मक रुचि को संतुष्ट करते हैं। तो प्रेजेंटेड का मतलब होता है ऑफर या प्रस्तुत किया, डॉक्टोरल रिसर्चर का मतलब होता है रिसर्च पेपर ऑफ डॉक्टर्स डिग्री, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशंस या परिकल्पना, कंक्लूजन्स के मतलब होता है रिजल्ट परिणाम, ऑन द कंट्रेरी अपोजिट टू इट, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी अपोजिट टू, ट्रेड्स एंड एरर्स, इसका मतलब परीक्षण प्रणाली, परीक्षण और त्रुटियाँ, टेस्टिंग मेथड्स, ट्रायल्स एंड एरर्स का मतलब होता है परीक्षण और त्रुटियाँ, ट्रायल्स एंड एरर्स, परीक्षण और त्रुटियाँ। अप्रिशिएटेड का मतलब होता है सराहना, लाइक या एडमायर्ड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ में आना, अंडरस्टैंडेबल, रिसर्च का मतलब होता है फाइंडिंग, खोज, एस्पेक्ट का मतलब होता है पॉइंट वन पार्ट ऑफ द सिचुएशन, पहलू, पॉइंट वन पार्ट ऑफ द सिचुएशन। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश या डिसअपॉइंटेड, एक्सीडेंट का मतलब होता है को इंसिडेंस, एक्सीडेंट का मतलब होता है को इंसिडेंस संयोग, प्रोबेबली मतलब होता है परहैप्स शायद, सेटिस्फाइड का मतलब होता है कंटेंटमेंट या संतुष्ट। मुकुंद यहाँ पैराग्राफ 8 से है, मुकुंद टॉकिंग अबाउट से लेकर के डज दैट बोदर यू, मुकुंद उपन्यासों के बारे में बात करते हुए आप एक प्रसिद्ध शिक्षक से द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के पश्चात आप चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हुए। अपने बहुत सारे गैर कथा साहित्यिक कार्यों उनमें से कम 20 की तुलना में 5 उपन्यास लिखे हैं, अम्बर्टो इको 40 से अधिक, मुकुंद 40 से अधिक, उनमें से अत्यंत प्रभावशाली कार्य लक्षण विज्ञान पर। लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछेंगे और वे कहेंगे ओह वह तो उपन्यासकार है,
कि आपको इससे कोई कष्ट नहीं होता। तो इसमें है स्पेक्टुलरली, स्पेक्टुलरली का मतलब शानदार या चमत्कार, इन अमेजिंग और इम्प्रेसिव मैनर, है ना। स्पेक्टुलरली का मतलब होता है इन एन अमेजिंग या इम्प्रेसिव मैनर। पब्लिकेशन का मतलब होता है रिलीज या प्रकाशन। सेमिनल का मतलब होता है ऑफ द बिगनिंग, सेमिनल का मतलब होता है ऑफ द बिगनिंग, ठीक है। सेमिनल का मतलब होता है ऑफ द बिगनिंग यानी शुरुआत। और सेमियोटिक्स का मतलब होता है थ्योरी साइन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, थ्योरी साइन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, सांकेतिक लाक्षण की। बोधर का मतलब होता है ट्रबल या कष्ट देना। पैराग्राफ 9, अम्बाटो इको यस बिकॉज आई कंसिडर से लेकर के स्टप ऑन सेमियोटिक्स, ठीक है। इसमें अम्बाटो इको कहता है हाँ, क्योंकि मैं स्वयं को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है, यह मजाक नहीं है। मैं शैक्षणिक गोष्ठियों में भाग लेता हूँ, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है शैक्षणिक गोष्ठियाँ। न कि लेखकों की खेलबों की बैठकों में, मैं स्वयं को शैक्षणिक समुदाय का हिस्सा मानता हूँ, एकेडमिक कम्युनिटी का मतलब होता है शैक्षणिक समुदाय। किंतु ठीक है, यह उन्होंने अधिकांश लोगों ने मेरे केवल उपन्यास पढ़े हैं, हंसता है और कंधे उचकाता है शख्स निष्कंधे उचकाना। मैं जानता हूँ कि उपन्यास लेखन से मैं अधिक बड़े श्रोताओं तक पहुँच सकता हूँ। मैं आशा नहीं कर सकता कि लक्षण विज्ञान के विषय पढ़ने वाले 10 लाख पाठक होंगे। कंसीडर का मतलब होता है थिंक या विचार करना। पार्टिसिपेट का मतलब होता है पार्टेक, भाग लेना। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग या सभाएँ। पेन क्लब्स का मतलब होता है लेखकों की सभा, राइटर्स एसोसिएशन। पेन क्लब्स का मतलब लेखकों की सभा, राइटर्स एसोसिएशन। पेन क्लब्स, राइटर्स एसोसिएशन, लेखकों की सभा। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, समेशन। कम्युनिटी का मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब होता है समुदाय। ऑडियंस का मतलब होता है हियर रीडर्स, पाठक। पैराग्राफ 10 है मुकुंद विच ब्रिंग्स मी टू लेकर के ऑल बाय दिस। मुकुंद द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है जो मुझे मेरे अगले प्रश्न पर लाता है। एक स्तर पर तो यह इसमें जासूसी कहानी है, लेकिन यह आध्यात्मिकता, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन युग के एक इतिहास की गहराई में जाता है। फिर भी बहुत संख्या में लोग इसका आनंद ले रहे हैं, क्या आप इससे चकित हैं? यार मिस होता है स्टोरी या फिक्शन किस्सा। और डेल्फ्स का मतलब होता है खोज करना, डिक्स डी डेल्फ्स, डेल्फ्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है अवेस्टेक फिलासफी, आध्यात्मिकता। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है आध्यात्मिकता या अवेस्टेक फिलासफी। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म ज्ञान। थियोलॉजी मतलब होता है धर्म ज्ञान, स्टडी ऑफ रिलीजन। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म ज्ञान। और पजल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज, उलझन में पढ़ना। अब पैराग्राफ 11 में अम्बाटो इको कहता है नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड बट नॉट ऑल डे। अम्बाटो इको, नहीं, पत्रकार उलझन में पड़ जाते हैं और कभी प्रकाशक भी। ऐसा इसलिए है कि पत्रकार और प्रकाशक ये मानते हैं कि लोग बेकार पुस्तकें पसंद करते हैं और कठिन पढ़ने के अनुभव को नहीं चाहते हैं। मान लो इस ग्रह पर 6 अरब लोग रहते हैं, द नेम ऑफ रोज के 10 से 15 अरब प्रतियां बिकी हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मैं पाठकों को बहुत कम अवसर तक पहुंच पाया, लेकिन इस प्रकार के पाठक सरल भाषा पढ़ना पसंद नहीं करते, अथवा कम से कम हमेशा तो यह नहीं चाहते। मैं स्वयं रात के खाने के बाद 9 बजे टेलीविज़न देखता हूँ और या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना पसंद करता हूँ। मुझे यह पसंद है और मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन पूरे दिन नहीं। जर्नलिस्ट का मतलब होता है रिपोर्टर, पत्रकार। बिलीव का मतलब होता है कंसीडर या प्रेशर, मानते हैं। थ्रेस, ट्रेस का मतलब होता है रद्दी या वर्थलेस, ट्रेस, ट्रेस मतलब रद्दी या वर्थलेस, कचरा। एक्सपीरियंस का मतलब होता है नोइंग, अनुभव। पैराग्राफ 12, मुकुंद कुड अ ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल डॉट 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 से लेकर के ए मिस्ट्री। मुकुंद,
क्या मुकुंद, क्या उपन्यास की इतनी बड़ी सफलता का इस तथ्य से कोई संबंध है कि यह मध्यकालीन युग के इतिहास के बारे में है? अम्बटोई को यह संभव है, लेकिन मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरे एक अमेरिकन प्रकाशक ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी पुस्तक पसंद आई, परंतु उसे लगा कि ऐसे देश में जहाँ किसी ने बड़ा गिरजाघर नहीं देखा अथवा जहाँ कोई लैटिन पढ़ना नहीं जानता, वहाँ 3,000 पत्तियों से अधिक नहीं बिक सकेंगे। इसलिए मुझे केवल 3,000 पत्तियों के लिए ही अग्रिम राशि का भुगतान किया गया, किंतु अंत में इसकी अमेरिका में 20 से 30 लाख पत्तियाँ बिकी, मेरी पुस्तक बिकी। मेरी पुस्तक लिखने से पूर्व मध्यकाल के बारे में कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मुझे लगता है कि मेरी पुस्तक की सफलता एक पहेली जैसी है, कोई भी इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि यदि मैंने द नेम ऑफ रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती, तब यह बात ना होती। इस समय यह कैसे सफल हो गया, यह एक पहेली है। सक्सेस मतलब होता है अचीवमेंट, सफलता, एंड एनीथिंग टू डू विद, यानी एनीथिंग टू डू विद, यानी कनेक्टेड विद, है ना, इट इन एनी वे, ऐसे कोई संबंध। और डेल्ट का मतलब होता है टू रिलेटेड विद, के संबंध में, टू रिलेटेड विद।